तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम एकदम अलग तरीके का दाल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने अरहर दाल ले लिया है और मसूर का दाल ले लिया है। हमने यहाँ पे दोनों को सेम क्वांटिटी में आधा आधा करके लिया है। यहाँ पे हमने कुछ बथुआ लिया, मतलब थोड़ा सा बथुआ लिया है। अदरक और लहसुन को ऐसे कट कर लिया है। एक टमाटर कट किया है और हमने थोड़ा सा ग्रीन चिली लिया है। अगर आप इस तरीके से अदरक लहसुन को कट करके डालते हैं तो ये बथुआ वाला दाल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। अब इसमें हम ये बथुआ को कट करके डाल देंगे। और यहाँ पे हमने दो ग्रीन चिली को कट कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें बारीक चॉप किया हुआ अदरक लहसुन, जिंजर और गार्लिक। बारीक चॉप किया हुआ टोमेटो। अब हम इसमें आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम डाल देंगे मसाला। आधा चम्मच से बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे मसाले, ये जीरा पाउडर है और गोल मिर्च पाउडर है। थोड़ा सी इसमें हल्दी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इसे थोड़ा सा स्पून घुमा देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 विजल आने तक इसे पका लेंगे। 3 से 4 सीटी आने तक पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार है। तब ज़रूर से ये विंटर में एक बार ट्राई करना। जब ये पक जाएगा, 4 विजिल आने तक पकेगा, उसके बाद इसे हम 3 से 4 मिनट तक और अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और आपको जितने इसका थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसमें गर्म पानी डाल देना या फिर नॉर्मल पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला है। देखिए अब इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि इसके कच्चेपन का टेस्ट नहीं आता है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे घी में या फिर तेल में, आपको जो भी खाना पसंद हो उसमें फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने घी लिया है क्योंकि हम यहाँ पे हमने तेल लिया है क्योंकि हम घी नहीं खाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे तेल लिया है। अब इसमें हम खड़ी वाली मिर्च डाल देंगे, रेड वाली, जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे और तड़का लगा देंगे दाल को। तो देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दाल बनकर तैयार है। तो आपने अभी तक नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से विंटर सीजन में ट्राई करिए। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है वाला दाल। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दें, जिससे कि वो भी बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड।